प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटिंडा में एम्स की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एम्स की इस योजना में कई पीढ़ियों का भविष्य है। पंजाब में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के निर्माण का सपना साकार होने जा रहा है। पंजाब के बठिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बठिंडा में एम्स निर्माण के फायदे गिनाए। पीएम ने कहा कि एम्स का निर्माण सिर्फ मरीजों के इलाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मेडिकल संस्थान के जरिए पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और रिसर्च के जरिए रोजगार देने का काम करेगा, जिसकी बदौलत आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल होगा। बीमारों की बीमारी दूर करेगा ऐसा नहीं, बारा कार्यक्रम के दौरान पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने दावा किया कि एम्स बनने से पड़ोसी राज्यों को भी फायदा होगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से प्रोजेक्ट के उद्घाटन की तारीख भी पूछ डाली, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी वही करती है। ये अस्पताल सिर्फ पंजाब वास्ते फायदेमंद नहीं होना, बल्कि राजस्थान ते हरियाणा ओदा भी इनू बहुत फायदा होगा। मैं अजे ही बेनती कर दिना मोदी साहब नू के एदा उद्घाटन करने वास्ते भी तुसी तरीक दे दो। शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हमारे ही कार्यकाल में करते हैं। वरना पहले सरकारें चुनाव आते ही हर गलित वाले में जाकर के पत्थर खड़े करके आ जाते हैं। हम तो योजना बनाते हैं तो पूछते हैं बताओ भाई किस तारीख को पूरा करोगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सामान्य नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं विकास के पथ पर आगे बढ़ने की खातिर बेहद जरूरी है। 175 एकड़ में बनने वाले एम्स पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया।